नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में। आज हम कुछ बातें उनके बारे में आपको ऐसी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। बहुत कम ही लोगों को ये पता होगा कि जेपी नड्डा का कनेक्शन हमारे प्रदेश बिहार से भी रहा है। आज हम आपको अवगत कराएंगे उन तथ्यों से जिनके आधार पर आप ये जान सकेंगे कि कैसे उन्होंने बिहार की उर्वरा माटी से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और आज देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कि देश की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शीर्षतम पद पर पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा की पहचान यूं तो पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश के नेता के तौर पर होती है, लेकिन आप में से कम लोग इस बात को अब तक जान रहे होंगे कि जेपी नड्डा की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और उनका बचपन से लेकर जो किशोरावस्था रहा वो बिहार की राजधानी पटना में ही संपन्न हुआ। बिहार और बिहार की माटी से उनका लगाव, उनका जुड़ाव पुराना रहा है। 2 दिसंबर 1960 को बिहार की राजधानी पटना में जन्मे जेपी नड्डा की पढ़ाई पटना के ही सेंट जेवियर्स स्कूल से हुई। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद नड्डा का दाखिला पटना कॉलेज में हुआ। जेपी नड्डा के पिता डॉक्टर नारायण लाल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्त थे। इसी वजह से जेपी नड्डा को बिहार में रहने का गौरव हासिल हुआ। जेपी नड्डा पटना के भिखना पहाड़ी, जी हाँ, उसी भिखना पहाड़ी इलाके में रहा करते थे जो आज भी स्टूडेंट्स हब माना जाता है। अब हम बात करते हैं नड्डा के युवावस्था और राजनीति में जाने की। जेपी नड्डा युवा हो रहे थे, वो दौर था 1977 से 1980 का, इमरजेंसी का दौर था। इमरजेंसी ने देश में भूचाल ला दिया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवा पीढ़ी संपूर्ण क्रांति के लिए आतुर हो रही थी। उसी दौर में जेपी नड्डा का भी झुकाव राजनीति की ओर हुआ। इमरजेंसी के खिलाफ नड्डा सक्रिय हुए, आंदोलनों में शामिल होने लगे और वहीं से उनके पटना में राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। पटना में अलग अलग इलाकों में होने वाले सभी राजनीतिक कार्यक्रमों जो इमरजेंसी के विरोध में हुआ करते थे उसमें जेपी नड्डा बहुत ही प्रमुखता से हिस्सा लिया करते थे और संगठन निर्माण के कार्यों में भी लग चुके थे। 1980 में उन्हें बिहार छोड़ना पड़ गया क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें हिमाचल यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना पड़ गया। वहाँ भी उन्होंने लगातार सियासी गतिविधियों में हिस्सा लिया। हिमाचल यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बड़ी जीत दिलाई। उसके पहले तक ये विश्वविद्यालय वामपंथी छात्र संगठनों का मजबूत गढ़ माना जाता था। जेपी नड्डा आज भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इसके पहले भी वो भाजपा के महामंत्री और संगठन के प्रभारी रहे हैं। इस दौरान वो कई बार बिहार आते जाते रहे हैं और कभी भी वो पटना यूनिवर्सिटी जाना नहीं भूलते। वहाँ जाने के बाद उन्हें हमेशा पुरानी यादों में खोए हुए और भावुक होते हुए भी देखा जा सकता है। धन्यवाद।